दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस साल का T20 वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए सभी दर्शकों के खिलाड़ी काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं इस मुकाबले से पहले भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना ने भविष्यवाणी करते हुए साफ तौर पर बता दिया है कि इन दोनों टीमों में से किस टीम का पलड़ा भारी है और कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचेगी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको सुरेश रैना के बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में अब तक ग्रुप स्टेज के क्वालिफायर मुकाबले खेले गए हैं। वहीं बड़ी टीमें अभ्यास मुकाबलों में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई नजर आई, लेकिन दोस्तों अभी भी इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। दोस्तों बता दें, ये मुकाबला खेला जाएगा 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच। इस मुकाबले के लिए सभी क्रिकेट प्रेमी और कई दिग्गज खिलाड़ी काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस शानदार मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना, जिन्होंने हाल ही में अभी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर IPL 2021 का खिताब जीता है, उन्होंने इस भारत पाकिस्तान के बड़े मुकाबले से पहले भविष्यवाणी कर दी है कि वो आखिरकार किस टीम को खतरनाक टीम मानते हैं जो इस शानदार मुकाबले में जीत हासिल करके इतिहास रच सकेगी। दोस्तों बता दें, इस मुकाबले से पहले भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना ने भविष्यवाणी करते हुए अपने बयान में कहा है कि इस साल T20 वर्ल्ड कप पिछले कई T20 वर्ल्ड कप से काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि सभी देशों के खिलाड़ी इतनी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं कि आज से पहले आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी हर टीम में इतना शानदार प्रदर्शन कैसे कर सकती है। इसलिए इस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए पाकिस्तान जितना खतरा है, वहीं बाकी की टीमें भी भारतीय टीम के लिए खतरे में होंगी। T20 वर्ल्ड कप में हर एक मुकाबला बेहद शानदार होने वाला है, लेकिन असली मुकाबला तो 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जिसमें हमें दोनों ही टीम की ओर से बेहद ही शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच कोई मुकाबला होता है तो वो इतना शानदार होता है कि उस मुकाबले की वजह से उस टूर्नामेंट का रोमांच दुगना हो जाता है। इस साल भारत और पाकिस्तान दोनों ही काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब 24 अक्टूबर को ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी, तब भारतीय टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम को धूल चटा के रख देंगे। क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय टीम के लगभग सभी खिलाड़ी IPL जैसे जबरदस्त टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन करके आ रहे हैं, इसलिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी काफी ज्यादा शानदार लय में भी नजर आ रहे हैं, जो कि उन्होंने अपने पहले दो अभ्यास मुकाबलों में साफ तौर पर दर्शा भी दिया है। भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करना पाकिस्तान के मुकाबले में काफी ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने अपने दो अभ्यास मुकाबलों में ये दर्शा दिया है कि उन्हें अभी भी काफी ज्यादा मेहनत करना बाकी है भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले के लिए। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तो भारतीय टीम ही पाकिस्तान को धूल चटा के रख देगी और इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके इतिहास ही रच देगी। लेकिन दोस्तों, सुरेश रैना के बयान को सुनकर आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान को धूल चटाने में कामयाब रह सकती है या नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।